हे गाइस, तो यार बहुत सारे बच्चों की ये क्वारी आ रही है रिगार्डिंग केवीपीवाई एग्जाम के कि भैया जेई मेन का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो रहा है, यानी कि जो एग्जाम जेई मेन का जो है वो जून के अंदर हो रहा है, तो क्या केवीपीवाई का एग्जाम भी पोस्टपोन्ड होगा? बिल्कुल, ये भी मतलब कॉमन सा सवाल है, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि क्या केवीपीवाई का एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो सकता है क्योंकि जेई का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है। तो जी हाँ गाइस, बिल्कुल केओपीवाई का एग्जाम भी ऑलमोस्ट आप मान सकते हो पोस्टपोन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, एंड इट्स डिपेंड ऑन केओपीवाई फैकल्टी। और अगर आपको लगता है कि आपका केओपीवाई का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए तो देन आई फुली सपोर्ट यू। देन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे रहा हूँ, जेई की तरह आप उस पर भी ईमेल डाल सकते हो, क्योंकि यार जो है एनटीए के पास रिटर्न के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया है यार, जैसे जो गवर्नमेंट वाले होते हैं, ठीक है, जब तक गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होती ना, अगर गवर्नमेंट ऑफिस में अगर कोई पंखा भी लगा हुआ है और अपने मैं अपने खर्चे से अगर वो पंखा ठीक करा देता हूँ, तो गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि तुमने अच्छा काम किया, पंखा गवर्नमेंट का ठीक करा लिया। गवर्नमेंट सामने से हमारे ऊपर जुर्माना ठोक देगी कि तुमने पंखा क्यों ठीक कराया, भाई ये हम ठीक कराते चाहे मैं 10 साल लगते लेकिन तुमने क्यों कराया, समझ रहे हो ना आप? तो वो अपने आप से कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आप रिटर्न के अंदर उन्हें लिख के देते हो ईमेल कि भैया ऐसा करो, तो उनको करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका केओपीवाई का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, तो नीचे ईमेल दे रहा हूँ, आप उनको ईमेल पर ईमेल सेंड करिए। केओपीवाई के एग्जाम की अगर अपन बात करें तो यार 22 मई को आपका केओपीवाई का एग्जाम होने वाला है। जेई का जो एग्जाम का जो सेशन खत्म होने वाला है इस बार जो है 28 अगस्त को जेई एडवांस का एग्जाम खत्म होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि मेजरली अगर अपन बात करें तो जो है जुलाई और अगस्त में जेई का खेल खत्म होगा। ओके, सो जो जेई एडवांस है केवीपीवाई के थ्रू में कहाँ कहाँ पे एडमिशन मिलता है? केवीपीवाई के थ्रू में आईसर में मिलता है, ठीक है। आईसर में मिलने के बाद जो है आईएएससी के अंदर मिलता है। अब जनरली अगर अपन बात करें आईसर की, तो आईसर में कितने ऑप्शन है आपके पास? एक आईएटी टेस्ट है, ठीक है, जो भी है आईसर आईएटी टेस्ट, देन दूसरा हमारे पास केवीपीवाई टेस्ट है, थर्ड हमारे पास जेई एडवांस टेस्ट है, राइट। तो यार जेई मेन तो जस्ट होगा ही नहीं, तो मतलब जेई एडवांस आईसर का एक ऑप्शन, तो वो मतलब उस ऑप्शन से पहले एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास केवीपीवाई है। तो यार मेजरली अगर अपन वैसे अपन बात करें तो केवीपीवाई के पोस्टपोन होने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि जो है ये जो 12th बोर्ड के अंदर टकरा रहा है। वैसे अपन बात करें अपन 22 जो है मई को जो आपका CMI का भी टेस्ट है, राइट, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट का। सो यार जो जेई मेन का जो है ये सारा का सारा जो भी अदर एग्जामिनेशंस है, जैसे LPU है, KIIT है, SRM है, अदर जो भी एग्जामिनेशन है, बिट सेट है, उनको भी टक्कर खा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये जेई मेन के पीछे पड़ जाएंगे अभी कि भैया हमारे हमको क्यों ठुकरा रहा है तू। सो यार जनरली अगर अपन वैसे देखा जाए तो ये भी सेमेस्टर बहुत आगे तक जाएगा, यानी कि आपकी जो स्पेशली जो IIT की जो क्लासे हैं वो स्टार्ट होगी आपकी तकरीबन अक्टूबर के अंदर, ठीक है। सेप्टेम्बर के बाद में अक्टूबर ही आता है ना, क्योंकि सेप्टेम्बर में तो आपकी काउंसलिंग वगैरह भी कम्प्लीट नहीं होगी, तो अक्टूबर की यानी कि सितंबर नौवा महीना हो गया, 10वें महीने को क्या बोलते हैं, अक्टूबर ही बोलते होंगे आई थिंक, ठीक है। तो अक्टूबर के अंदर सेकंड वीक से आप मान सकते हो कि आपकी क्लासें जो है IIT की स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 1 से 1.5 महीना लगता है काउंसलिंग के अंदर। जैसे जोसा काउंसलिंग होती है, आपकी CSAB काउंसलिंग होती है, देन JEE के बाद अदर काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जैसे रीप राजस्थान है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, IK गुजराल है, IPU दिल्ली है, एंड अदर मेनी मेनी काउंसलिंग्स है। तो आप उसको बिल्कुल ध्यान रखें यार, केवीपीवाई के पोस्टपोन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अभी बच्चों को किस पे फोकस करना चाहिए यार, ये इम्पोर्टेंट कंसर्न है। तो यार अभी जो है आपका JEE के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, अभी आप जो है 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उस पर फुल्ली ध्यान दो आप। वाई बोर्ड एग्जाम्स यार वैसे तो आपके JEE वगैरह में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट जो है 75+ मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। जैसे यार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली बिहार के बच्चों के तो बहुत कम मार्क्स आते हैं। सो यार जो जैसे ही आप आफ्टर द कंप्लीट ग्रेजुएशन एंड अदर आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो, जस्ट लाइक UPSC एंड अदर या फिर किसी कंपनी में, तो वहाँ पे आपका पहले का भी करेक्टर देखा जाता है कि आप 10th क्लास में कैसे पढ़ते थे, 12th क्लास में कितने मार्क्स आते थे आपके। तो यार ये 12th वाला इंपॉर्टेंट है, और जस्ट लाइक 12th तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सिविल सर्विसेज वगैरह में जाना चाहते हो तो, क्योंकि ऑलमोस्ट जगह जो है 60% का तो क्राइटेरिया मिनिमम होता ही है। तो आप एटलीस्ट ट्राई करो कि 80% 85%
क्रॉस कर सको क्योंकि आपके पास अभी प्रॉपर टाइम है, ठीक है। और जस्ट ऑलमोस्ट जो है स्टेट्स की चल रही है बोर्ड एग्जामिनेशन, बिहार बोर्ड की तो कब का ख़त्म ही हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। मतलब वो बहुत ख़तरनाक स्टेट है यार, बच्चों के बहुत कम मार्क्स देता है। पता नहीं बिहार के अंदर ऐसा क्या सीन है, इतना कम मार्क्स क्यों मिलता है उनको, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता कि मतलब इतना कम मार्क्स कैसे मिलता है, क्या सारा सीन है उनका, वाई इतने कम मार्क्स बिहार बोर्ड में। ठीक है गाइस, तो यार आपके QPBY के पोस्टपोन हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए और छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए। हमारा मिशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर इंडिया के टॉप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कॉलेजों में आपको एडमिशन मिल जाता है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई व्हाट्सएप नंबर, लिंक इन व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू। IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, किसका ड्रीम IIT है ये मुझे कमेंट में बताना, या फिर KVPY वाले बच्चों को IISc बेंगलोर किसको जाना है उसको भी बताना, ठीक है। थैंक यू।